अगर आप लाइफ में किसी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस, टेंशन और चिंता को कैसे दूर कर सकते हो। इस किताब में 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिन्हें जानकर आप शांति और सुकून की जिंदगी जी सकते हो। ये कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है जो बहुत बड़ा लॉयर था। जूलियन के पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था, सक्सेसफुल प्रोफेशन, पॉश बंगला और फरारी जैसी महंगी गाड़ी। उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया था जो वो सोच सकता था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों है। हर चीज तो उसके पास है, फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है। कहने को तो जूलियन के पास में हर वो चीज थी जिसे वो पाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस में रहता था। वो 55 साल की उम्र में ही 80 साल का दिखता था, उसके बाल भी असमय ही सफेद हो चुके थे। जूलियन ने बचपन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा। समाज की भी यही सोच होती है ना, लोग पैसे को खुशी से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए बचपन से ही हमारी भी सोच ऐसी बन जाती है। हमें लगता है कि पैसों से हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को पता चलता है कि नहीं, उसका सोचना गलत था। ये जरूरी नहीं है कि पैसा आपको खुशी दे ही देगा। उसके पास तो अंधाधुंध पैसा था, लेकिन क्या खुशी अंधाधुंध थी? नहीं, अंधाधुंध क्या, उसके पास तो खुशी 1% की नहीं थी। आखिरकार एक दिन तो हद हो गई, जूलियन को हार्ट अटैक हो गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रहना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद में जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया। सबसे पहले उसने अपना घर और फरारी गाड़ी बेच दी। अब वो खुशी की तलाश में जाना चाहता था, इसीलिए वो इंडिया आ गया। यहाँ पर वो हिमालय में सिवान साधुओं के पास ज्ञान और खुशी के रहस्य का पता लगाने के लिए चला गया। वहां उसे एक सिवान मॉन्क यानी कि साधु मिला जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गया, और जूलियन उनके साथ रहने लगा। अब एक दिन उस मॉन्क ने जूलियन को सूमो पहलवान की कहानी सुनाई। सूमो पहलवान की कहानी। मॉन्क ने जूलियन से कहा कि सोचो तुम एक बगीचे में हो। बगीचे में भांति भांति तरह के सुंदर फूल लगे हुए हैं जिनमें से मधुर खुशबू आ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। बगीचे में एक तरफ एक बड़ा सा लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सूमो पहलवान बाहर आता है। सूमो पहलवान ने पूरे शरीर पर कुछ भी नहीं पहन रखा था, केवल एक पतली तार वाली अंडरवियर पहन रखी थी। सूमो पहलवान बगीचे में घूमने लगता है, तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखाई देती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन फिसल कर गिर जाता है, और गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूलों की सुगंध से सूमो पहलवान को होश आता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। अब एक और उसे एक रास्ता दिखाई देता है जिस पर डायमंड्स बिछे हुए थे। वो रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था। सूमो पहलवान उस रास्ते पर चला गया और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गया। अब यहाँ पर मॉन्क ने कहानी खत्म कर दी। अब जूलियन को ये कहानी बकवास लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस कहानी का क्या सिर पैर है और मेरे जीवन से क्या लेना देना है। उसने मॉन्क से कहा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मॉन्क ने कहा कि इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं। इसके बाद मॉन्क ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, द गार्डन। कहानी में जो बगीचा है वो हमारे जिंदगी को दर्शाता है, इसे मेटाफोर कहते हैं। अगर हम बगीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले वृक्ष और खुशबूदार फूल मिलेंगे, लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो दुर्गंध आएगी और बगीचा गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें, दूसरों के लिए दया, सहानुभूति और हेल्प के विचार ही ब्रेन में पालें। इससे आपका ब्रेन एक सुंदर बगीचे सा महकता रहेगा। इससे आपको सच्ची खुशी और पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। कभी भी नेगेटिव ना सोचें, बुरे विचारों से दूर रहें। ईर्ष्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार कभी भी दिमाग में ना लाएं, क्योंकि इनसे आपका दिमाग कूड़े का ढेर बन जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगा। इसलिए एक चौकीदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन से बाहर ही रखें, उन्हें अंदर ना आने दें। हमेशा अपने ब्रेन के बगीचे को सुंदर बनाए रखें। नंबर 2, लाइट हाउस। बगीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुद्र के जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका गोल आपके लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है। इसलिए आप भी अपने लिए गोल बनाइए और लगातार उस पर चलते रहिए। इससे आप मंजिल को पालेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे। बहुत से टीनेजर गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए एक उचित गोल नहीं बनाते हैं। गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला ही नहीं है, बल्कि गोल शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। जैसे कोई टीनेजर अगर बॉडी बनाने का गोल बना ले तो डेली 5 से 10 मिनट भी एक्सरसाइज करे तो भटकने से बच जाएगा।
क्योंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता रहेगा। वो किसी बुरी आदत में फंसने से भी बच जाएगा। इसीलिए अपने लिए उचित गोल बनाइए और उसे फॉलो करिए। नंबर 3, सूमो रेसलर। लाइट हाउस से जो सूमो पहलवान निकलकर आता है वो काइजिन का प्रतीक है। काइजिन एक जापानी परंपरा है जिसका मतलब होता है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूवमेंट करते रहना। आपने कभी सोचा है कि सूमो पहलवान इतने भारी भरकम कैसे हो जाते हैं और इतने अच्छे पहलवान कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो काइजिन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक निश्चित डाइट लेते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि 1-2 महीने जमकर प्रैक्टिस की और फिर 6 महीने कोई अता पता ही नहीं। सुमो रेसलर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, बेशक थोड़ी ही करें लेकिन रोज करते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी एक्सरसाइज कर लें तो 1 साल बाद आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। आपका वेट कम होगा, आप यंग दिखेंगे, बॉडी स्लिम और टोन भी हो जाएगी। ऐसे ही हर दिन 30 मिनट भी लिखने की आदत डालेंगे तो 1 साल बाद आप देखेंगे कि आपने एक किताब लिख डाली है या काफी सारा ब्लॉग पोस्ट लिख डाला है। इस तरह से आप काइजन टेक्निक को लाइफ में कभी भी लगा सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखें और हर दिन सीखें, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट लाते रहें, धीरे धीरे करके रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। नया सीखने का सबसे बेहतर तरीका है कि हर दिन मोटिवेशन वाली बुक पढ़ें, क्योंकि किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। नंबर 4, द अंडरवियर। सुमो पहलवान का अंडरवियर सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। सुमो रेसलर का अंडरवियर केबल वायर से बना होता है जो देखने में बहुत ही पतला होता है, लेकिन उसके अंदर मेटल की बहुत सारी पतली वायर्स होती हैं और जब सारी तारें इकट्ठा हो जाती हैं तो फाइनल वायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों, सुमो रेसलर वैसे तो कुछ भी नहीं पहनता है, लेकिन उसका छोटा सा अंडरवियर उसकी सारी इज्जत को बचा कर रखता है। इसीलिए सबको सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी के पास में नेम, फेम और पैसा सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और किसी का हरेसमेंट कर देते हैं तो फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। जब उन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी सारी इज्जत चली जाती है और उसके बाद उनको काम भी नहीं मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौक से जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पेन होता है तो वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते हैं और जिम जाना छोड़ देते हैं। अगर वो उस पीड़ा पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएं, तभी एक दिन बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी पा पाएंगे। चलिए ठीक है, बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, लेकिन एक अच्छी बॉडी तो पा पाएंगे जिससे आप जवान दिखें, तरोताजा दिखें। ऐसे ही ब्लॉगर्स के साथ है। अगर लालच पर सेल्फ कंट्रोल नहीं किया तो ब्लॉग लंबे समय तक नहीं लिख पाएंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि 3 से 4 महीने में ही पैसा कमाने लगेंगे, इसीलिए पैसे के लालच पर सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए और हर दिन लिखते रहना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल से लाइफ में हर चीज में सफलता मिल जाती है। नंबर 5, द गोल्डन वॉच। सुमो रेसलर को जो गोल्डन वॉच मिलती है वो हमारे जीवन में वक्त के महत्व को दर्शाती है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास 25 या 30 घंटे नहीं होते हैं, फिर चाहे वो कोई मिलेनियर हो या फिर कोई भी गरीब आदमी, लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने अपने ढंग से बिताता है। कुछ लोग घंटों बैठकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन बहुत सा पैसा कमाएंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, लेकिन वो करते क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन उसी समय कोई उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई ब्लॉग और ब्लॉग पोस्ट लिख रहा होता है, कोई यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। डे ड्रीमिंग करना चाहिए लेकिन कुछ हद तक, उसके बाद अपना गोल पाने के लिए मेहनत में जुट जाना चाहिए। कुछ लोग 7 बजे अभी सोकर उठते हैं और दूसरी तरफ कोई जिम से वर्कआउट करके भी आ चुका होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटे काम ही करते रहना चाहिए, लेकिन जो आपके गोल हैं उन्हें पूरा करने के लिए तो समय देना पड़ेगा ना। जैसे अगर बॉडी बनानी है तो उसके सपने मत देखते रहिए, उठिए और शुरू हो जाइए। एक डिसिप्लिन बनाइए और रेगुलरली वो चीज करिए। नंबर 6, फ्रीग्रेंट रोज। फ्रीग्रेंट रोज दर्शाता है कि हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ देना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता है बल्कि सब में बांट देता है। इसलिए आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, थोड़ी बहुत चैरिटी जरूर करनी चाहिए। इससे दूसरों का भला ही नहीं होगा बल्कि आपको खुद भी बेहद खुशी मिलेगी। आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपका दिल प्रसन्नता से भर उठेगा। एक कहावत भी है, जो दूसरों को गुलाब का फूल देता है उसके हाथों में भी गुलाब की खुशबू रह जाती है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोगों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस दे सकते हैं। ये तो दे ही सकते हैं ना, इसके लिए कोई खर्चा तो करना नहीं पड़ेगा। नंबर 7, पाथ ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स वाला रास्ता लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है।
सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो वास्तव में डायमंड जैसी होती हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उन पलों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम सभी प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं, बस पास्ट की असफलताओं पर अफसोस करते रहते हैं, कोसते रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं। डायमंड पाथ हमें बताता है कि आज में जीना सीखो और डायमंड जैसी खुशियां जो आपके चारों ओर बिखरी हुई हैं उन्हें एंजॉय करना सीखो। इन खुशियों के हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि माँ के साथ बैठकर बातें करना, कोई गजल या कविता लिखना, बगीचे में फूलों को देखना, बच्चों के साथ खेलना, सॉन्ग सुनना, अच्छी किताब पढ़ना, दोस्तों के साथ चाय पीना इत्यादि। इस तरह आप हर दिन हर पल खुशी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सच्ची बात बता रहा हूं, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ दो आप, और प्रेजेंट के डायमंड पाथ पर खुशी से चलते रहो। दोस्तों, तो इस तरह से उस मॉन्क ने जूलियन की जिंदगी जीने के 7 प्रिंसिपल्स एक अनोखी कहानी के जरिए बताए। इसके बाद जूलियन वापस घर लौट गया। अब वो उन 7 नियमों का पालन करने लगा और इससे उसके जीवन में सच्ची खुशी उसे हासिल हो जाती है। अब वो बहुत यंग और हेल्दी भी दिखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे दोबारा कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बाकी की सारी जिंदगी खुशहाली से बीती। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।